अभी क्योंकि सर ने हमें भी होना है इस शो में अभी आपने, आपने कभी कभी होते हैं ना सर सर ने ने सरने, सरने सब हमें एक आइडियोलॉजिकल आइडियोजिकल समझाया कि भाई क्या है मतलब धाराओं का पिछ हमारी पॉलिटिक्स में कि कि कमिटमेंट आती है वहां जहाँ कोई विचारधारा हो लेफ्ट में विचारधारा है आपकी आपकी पार्टी में विचारधारा अग्रीड लेकिन जो आप ये लैटरल एंट्री कह रहे हो इनमें कहां से वो कमिटमेंट आती है मैं आपको बताता हूं कई लोगों को लगता है कि बीजेपी डाइल्यूट हो रही है लेटरल एंट्री करवाने आप समझ ही नहीं पाए बीजेपी जब भी लेटरल एंट्री होती है वो बीजेपी की आइडियोलॉजिकल विक्ट्री है कि जो व्यक्ति बीजेपी के हर विचार को खंडित कर रहा था कुछ वर्षों पहले मैं भी था आज मैं अपने विचारों में तब्दीली और परिवर्तन और इंसान हमेशा अपने विचारों में परिवर्तन करता है यहां पर बैठा कोई व्यक्ति नहीं वो नहीं कह सकता कि जो मैं सोलह साल की उम्र में सोच रहा था वो मैं छब्बीस साल की उम्र में सोच रहा था फिर मैं छैतीस छत्तीस साल की हर आदमी में परिवर्तन आता है आपके भी विचारों में आया हुआ कई विषयों पर तो आज भाजपा वही खड़ी है भाजपा ने अपना स्टैंड राम मंदिर पर डायलूट किया है नहीं 370 पर डाइल्यूट किया है नहीं यूसीसी पर डाइल्यूट किया है नहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर किया है नहीं जो लोग हो सकता है एक समय पर राम मंदिर के खिलाफ थे आज वो भी कह रहे जय श्री राम यह भाजपा की विक्ट्री है आज तो ऐसा स्थिति ऐसी स्थिति आ चुकी है जो रोम रोम करते थे वो मंदिर जाकर राम राम करने लगे कृष्ण के स्वप्न आने लगे राम भक्तों को मारने वाले लोगों को तो मुझे लगता है कि भाजपा ने किस प्रकार से सेंट्रल पोल ऑफ पॉलिटिक्स को ऑक्यूपाई किया है ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो आना भी चाहता है वो अपने पुराने विचारों को छोड़कर अपने अंदर का कांग्रेस ही छोड़कर वो कांग्रेस मुक्त होकर आ रहा है यह भाजपा की जीत है वैचारिक जीत है वैचारिक जीत है मैं बात। सहमत नहीं हूं वो आ रहा पावर के लिए वो उसको अपना भविष्य दिखता है आपके ठीक है मैं मुझे भाजपा कुछ देगी नहीं नहीं तो बात कर रहे हैं ऐसा है कहीं ऐसे उदाहरण है मैं आपको बता सकता हूं दस दस पंद्रह कई ऐसे उदाहरण है जो भाजपा में आने के बाद भी जो पहले एंजॉय कर रहे थे उनको नहीं मिला है भाजपा में स्थान उनको पोजीशन नहीं मिला है पर वो आज भी कहते हैं कि मुझे आज यहां पर आत्मसम्मान और संतुष्टता मिली है क्यों मिली है दो रीजन एग्जाम्पल्पल दे मैं खुद का, दे, मैं पर पर खुद आ, का दे रहा हूं आपको मिला है मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं हा, हा? और और भी मिलेगा नहीं नहीं और भी मिलेगा ना तो मिलेगा जब मिलेगा पर क्यों मिलेगा सुनिए मेरिट से मिलेगा मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं मैं बहुत संतुष्ट हूं मेरे से ज्यादा सीनियर लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नहीं है वो आए हैं पार्टी में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमेशा ये जो लगा रहता है ना कि एक थैली की बैग पड़ी है यहाँ पर और फिर यहाँ पर एक पद का वो डॉक्यूमेंट पड़ा है हाँ क्या लेना चाहेंगे आप आइए आइए आपके लिए स्वागत करते हैं कि आप पद चाहेंगे अच्छा पद ले लो आप पैसा चाहेंगे ऐसा नहीं होता भाई साहब <laughs> हमें <laughs> एक विचार हमारा जो रहता है मेरी क्या लड़ाई थी कि पार्टी में कांग्रेस पार्टी में प्रोफेशनलिज्म है फैमिली रन ना हो वहां पर एक वैचारिक क्लैरिटी हो वो जब नहीं करे सात साल दस साल लगाने के बाद अगर कोई पार्टी सुधरने को तैयार ना हो तो क्या कोई व्यक्ति तो आप कह रहे हैं कि मतलब भाई हम अपनी शर्तों पर लेते हैं हर किसी को मतलब वो आएगा आप तो आप मुझे एक उदाहरण बताओ जहां पर भाजपा ने अपनी शर्तों से जो है या अपनी जो वैचारिक वैचारिक उसकी पृष्ठभूमि है उससे कॉम्प्रोमाइज किया और डायल्यूट किया एक बताओ मैं तो आज कह रहा हूं छोड़िए ना बाकी सब यूसीसी की हमने बात की सेक्युलर कोड है जो यूसीसी का विरोध करने वाले लोग थे वो यूसीसी के समर्थन में आज